नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। हरक सिंह रावत के बयान पर समर्थन करते हुए कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा है कि हरक सिंह रावत सच बोलने में माहिर हैं, इसलिए उन्होंने जो भी बोला वह सच बोला। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा उन्हें जो भी आदेश देगी वह उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत ने इतना जरूर कहा है कि उनका मन चुनाव लड़ने का नहीं है और भाजपा आलाकमान उन्हें किसी भी तरह का आदेश देगा वह उसका पालन करेंगे। वहीं लालकुआ विधानसभा से भाजपा विधायक नवीन चंद दुमका ने भी कहा है कि सियासत के अपने अपने मायने होते हैं और हरक सिंह रावत जो कि कांग्रेस में पले बड़े थे अब भाजपा में मंत्री के रूप में शामिल हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हरक सिंह रावत प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और हरक सिंह रावत का बयान भावुक होकर उनके मुंह से निकला क्योंकि वह हमेशा सच बोलते हैं। एक प्रकार से प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में अब और कभी कभी वो भावुक होकर के सही बात भी उनके मुंह से निकल पाती है, तो उन्होंने जो बात कही वो गलत नहीं है, गलत बात सही है। लेकिन अब उसी पार्टी में हैं और पार्टी में होने के नाते कह दिया तो फिर उसको वापस भी लेना पड़ा या फिर उसको बदल के बयान देने पड़े, ये बात अलग है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हरक सिंह रावत दिल का साफ आदमी है। पूरी विचारधारा मिल रही है, वो ज़रा थोड़ा सच को कहने में उस्ताद हैं, सच बोल देते हैं ज़रा थोड़ा, तो उन्होंने कुछ बात कही है। लेकिन कोई ऐसा मन कहीं से कहीं तक नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करेगी मैं वो करने को तैयार हूँ। लगता है कि क्या वो किसी और दल में जाने को तैयार है? उन्होंने क्या कहा, क्या पढ़ा, क्या आया है ये खुद देख लो। उन्होंने कहा है कि मेरा मन चुनाव लड़ने का नहीं है, बहुत चुनाव लड़ लिए हैं, लेकिन आगे भारतीय जनता पार्टी जो आदेश देगी वरिष्ठ लोग वो मैं। यूं तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देश विदेश से पर्यटक उत्तराखंड देवनगरी में आस्था के लिए आते हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने गुंजी में शिव महोत्सव कराने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि काफी समय पहले यहीं पर नेपाल व भारत का काला पानी विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, इसलिए जिलाधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधियों और जनता के साथ लेकर इस सेवा के पावन स्थान में शिव महोत्सव कराने का निर्णय लिया गया ताकि छुपी हुई प्राकृतिक सुंदरता पूरे विश्व के सामने आ सके और गुंजी में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। विधायक हरीश धामी जी ने जिलाधिकारी के इस पहल को बहुत ही सराहा और कहा कि ये शिव महोत्सव पिथौरागढ़ जिले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। शिव महोत्सव को लेकर आज जो बैठक हुई उसमें 3 दिवसीय शिव महोत्सव 18 से 20 अक्टूबर तक मनाए जाने को लेकर जो हमारी बैठक में उपस्थित गणमान्य जनप्रतिनिधिगण थे उनके द्वारा इसे निर्धारित किया गया और इसमें हमारी कल्चरल एक्टिविटीज और एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हमारे दूरस्थ स्थलीय गुंजी जो एक शिव के दृष्टिगत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ से आपका आदि कैलाश, कैलाश पर्वत और ओम पर्वत की जो मार्ग वहीं से निकलते हैं तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है पर्यटन के मैप पे हम उसको स्थापित करने के लिए इस पूरे इवेंट को कर रहे हैं। देखिए, जिलाधिकारी के द्वारा जो शिव महोत्सव गुंजी का एक आयोजन की जो सोच रखी गई है वो बहुत ही जो है अति उत्तम भी है, बहुत ही मैं सुंदर कहूँगा आने वाले समय के लिए धारचुला के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और इस तरह का आयोजन होने से निश्चित तौर पर आज तक लोग केवल चारधाम यात्रा को देखते थे, हमारे यहाँ आदि कैलाश, ओम पर्वत और जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है तो इन ये जो है ये भी हाईलाइट होंगे और ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो है। खबर चमोली से है जहाँ पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मलबा आने से रास्ता बंद हो गया जिसके चलते बद्रीनाथ आने जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग आपको बता दें कि दोनों तरफ से फंस गए। जिला प्रशासन की तरफ से यात्रा पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को चमोली, पीपल, कोटी और जोशीमठ में ही रोका गया। वहीं दूसरी ओर निजमुला ईरांडी मोटर मार्ग का भी यही हाल है।
तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं श्याम बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पाताल गंगा और टंकी के पास मलबाने से अवरुद्ध हो गया है, जिसके बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और बद्रीनाथ की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोग भी सड़क खुलने का इंतजार करने लगे। मलबा इतना अधिक था कि प्रशासन की तरफ से यह बताया गया कि लगभग 3 से 4 घंटे मलबा हटाने में लग सकता है। तानपुर पट्टी में व्यापारियों ने नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ थाली बजाकर प्रदर्शन किया और व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान व्यापारियों ने नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी के नगर पंचायत प्रशासन द्वारा तालाब की भूमि पर सार्वजनिक बोली लगाकर व्यापारियों को दुकान का आवंटन किया गया था, जिसके बाद से व्यापारी नगर पंचायत को प्रतिमाह दुकानों का मासिक किराया नगर पंचायत को दे रहे थे, लेकिन नगर पंचायत द्वारा बीते दिनों न्यायालय के आदेश पर व्यापारियों को दुकानें खाली कराने के लिए नगर में मुनादी कराई गई थी, जिससे व्यापारियों में खासा आक्रोश देखा गया, जिसके चलते व्यापारी नगर पंचायत द्वारा बनाए गए कंप्लेंट्स पर एकत्र हुए, जहां व्यापारियों ने थाली बजाकर नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान व्यापारियों ने नगर पंचायत पर व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि पहले लोग धोखाधड़ी करने का काम करते थे, लेकिन सुल्तानपुर पट्टी में प्रशासनिक पदाधिकारियों और अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी की है, जिसके लिए व्यापारियों को प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा है। कर्मचारी चोर हैं तो आम जनता को ये कैसे कहेंगे कि ये चोर नहीं है? कल को ये फिर पुलिस चोर इसे पकड़ती है, फिर क्या है? इससे बढ़िया तो पहले सरकारी कर्मचारी को पकड़ के अंदर कराया जाए, जिन्होंने हमारे साथ 420 करी है, चोरी का माल बेचा है और हमसे समय समय पर 3 साल बाद 10% टैक्स बढ़ाते के हमसे किराया। प्रसिद्ध योग और आध्यात्मिक गुरु सतगुरु जग्गी वासुदेव श्रीनगर में थे। सतगुरु केदारनाथ यात्रा पर निकले, जहां थोड़ी देर के लिए रुके और सतगुरु ने कहा कि उत्तराखंड इस धरती को दी गई ईश्वर की अनमोल धरोहर है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार उत्तराखंड जरूर आना चाहिए। सतगुरु ने कहा कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी उत्तराखंड नहीं आता, समझो उसका जीवन व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि वो देशवासियों को यही संदेश देने के लिए उत्तराखंड आए हुए हैं। सतगुरु ने अपने भक्तों के साथ मुलाकात भी की, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उत्तराखंड का मौसम, यहाँ की प्रकृति बहुत अच्छी लग रही है। सतगुरु ने बताया कि वे केदारनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं, इसके पश्चात वे बद्रीनाथ की यात्रा पर जाएंगे। इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े महात्मा जो इतने बड़े प्रवचन देते हैं पूरे भारतवर्ष, क्या पूरी दुनिया को देते हैं, आज उनका यहाँ पे पदार्पण हुआ हमारे होटल में रिवरसाइड रिसोर्ट के अंदर। हम तो गौरवान्वित हैं और हमको अति प्रसन्नता है इस बात की कि आज गुरुदेव हमारे, मेरे को सौभाग्य मिला उनके चरणों को प्रणाम करने का और हमें बहुत खुशी हुई है इस बात से और पूरे उत्तराखंड इस पर गौरवान्वित है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।